दोस्तों अगर आप परेशान हैं साइलस मार्नर के लिए तो आपकी चिंता को दूर करने के लिए मैं ले आया हूं साइलस मार्नर के कैरेक्टर स्केच वाले क्वेश्चंस। जी हां, आज हम करेंगे कैरेक्टर स्केच वाले क्वेश्चंस और आने वाले कुछ दिनों में इसके दूसरे क्वेश्चंस यानी कि प्लॉट बेस्ड क्वेश्चन भी मैं डालने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, यह है इंग्लिश आउल, मेरा नाम है मुकेश कुमार और आज हम करने वाले हैं साइलस मार्नर। आगे बढ़ते हैं, आइए। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कैरेक्टर स्केच के क्वेश्चंस मैं आपको कैसे करवाने वाला हूं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, आपको यही पॉइंटर्स वीडियो पॉज करके हर कैरेक्टर के बारे में नोट करने हैं। मैं आपको बताऊंगा कि इन पॉइंटर्स को कैसे एक्सप्लेन करना है और कैसे एग्जाम्पल देकर एग्जाम्पलीफाई करना है। अगर आपने एग्जाम में ऐसे ही 5 या 6 या 7 पॉइंटर्स जो मैं आपको दूंगा उनको एग्जाम्पलीफाई करके उनको प्रूव करके वहां पर लिखकर आए तो दोस्तों वो आपका बेस्ट आंसर होगा, क्योंकि वो प्योरली एक कैरेक्टर स्केच होगा। और मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, आपको किसी भी कैरेक्टर स्केच के आंसर में समरी नहीं लिखनी, क्योंकि समरी जब आप लिखते हैं तो वो कैरेक्टर का क्वेश्चन बचता ही नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले कैरेक्टर से, जो है साइलस मार्नर। सो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है वो है रेक्लूज एंड आउटकास्ट। सो साइलस मार्नर एक रेक्लूज है। रेक्लूज का मतलब वो इंसान होता है जो दुनिया के साथ बहुत ज्यादा घुल मिलकर ना रहे, और उसकी वजह थी दोस्तों, उसकी वजह यह थी कि वो एक कैल्विनिस्ट सेक्ट से बिलोंग करता है। कैल्विनिस्ट सेक्ट क्रिश्चियनिटी का ही एक सेक्ट है जो प्रोटेस्टेंट से अलग होता है, और विक्टोरियन एरा इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट सेक्ट सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग और सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट था। सो एक छोटे सेक्ट से बिलोंग करने की वजह से साइलस आउटकास्ट जिंदगी जीता है। वो एक चैपल का पार्ट है, एक चैपल का मेंबर है, और उस चैपल में उसका सबसे ज्यादा जो ध्यान है वो गॉड की तरफ है। वो एक बिलीवर है, वो गॉड में बहुत ज्यादा विश्वास रखता है, इतना ज्यादा कि उसकी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा चैरिटी में जाता है। और वो आउटकास्ट भी है क्योंकि वो सिर्फ चैपल के अंदर ही अपनी जिंदगी बिताता है, चैपल के बाहर की दुनिया उसको बहुत ज्यादा नहीं पता। नेक्स्ट पॉइंट है ही इज अ वीवर। दोस्तों विक्टोरियन एरा इंग्लैंड में वीविंग का काम बहुत ज्यादा था, क्योंकि आपको पता है ये वो टाइम है जो प्री वॉर वर्ल्ड वॉर 1 और 2 दोनों से पहले का है। उस समय पर जो इंग्लैंड का वीविंग सेक्शन था वो इतना ज्यादा स्ट्रांग था क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जस्ट स्टार्ट होने ही वाला था, मशीन अभी नहीं आई थी, तो हैंड वीवर जो हैं वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थे, इनके पास बहुत ज्यादा पैसा हुआ करता था और ये बहुत ज्यादा कमाई भी करते थे। सो वो एक वीवर था, वो भी विक्टोरियन एरा इंग्लैंड में, यानी कि उसके पास अच्छा खासा पैसा आता था, जो आगे जाके प्रूफ होगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे। नेक्स्ट पॉइंट है ही इज डीपली फेथफुल, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, उसके कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा चैरिटी में जाता है और वो बहुत ज्यादा फेथफुल है। वो चैपल में पूरे रीति रिवाजों को फॉलो करता है, इवन उसके ऊपर एक इल्जाम लगता है चोरी का, तो उसमें भी वो बिना सोचे समझे गॉड के बताए हुए रिजल्ट पे बिलीव कर लेता है। दोस्तों इससे पहले अगर आपको ये मेरी बात समझ ना आ रही हो कि मैं किस इंसिडेंट की बात कर रहा हूं, तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाइए, वहां पे साइलस मार्नर की समरी मैंने बताई है, उस समरी को पूरा A to Z देखिए, आपको प्रॉपर ये वीडियो समझ में आएगा। यह है उसका लिंक, इस पर क्लिक कीजिए और उस समरी को पहले देखिए और फिर दोबारा से इस वीडियो में वापस आइए और आगे देखिए। सो वो डीपली फेथफुल है, यानी कि वो अपने ऊपर लगाए हुए इल्जाम को भी एकदम फेथफुली मानता है, हालांकि उसके बाद वो टूट जाता है। उसके बाद ही लॉस्ट फेथ इन ऑड टाइम, ये एक पॉइंटर है कि वो ऑड टाइम आने पर अपनी फेथ खो देता है। उसके पास लगातार 3 झटके उसे लगते हैं। फर्स्ट थिंग कि उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा, सेकेंड थिंग उसे पता चलता है कि चोरी का जो असली कन्विक्ट है वो उसका दोस्त हो सकता है और उसका दोस्ती पर से विश्वास उठ जाता है। नेक्स्ट थिंग उसकी फियांसे उससे शादी तोड़कर उसके फ्रेंड के साथ, उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ शादी कर लेती है, और इससे ही तो सबसे ज्यादा दिल टूटता है। सो उसका भी दिल टूटा और उसका गॉड से भरोसा उठ चुका है। अब ही इज सेल्फ सस्टेन्ड, वो उस जगह को छोड़कर यानी कि लेंटन यार्ड को छोड़कर रेवेलो में चला जाता है, नॉर्थ इंग्लैंड से साउथ इंग्लैंड तक ट्रेवल करता है, सिर्फ इसलिए कि वो उन सब एक्यूजिशन से दूर हो सके। उन एक्यूजिशन से दूर होने के बाद वो और ज्यादा रेक्लूज लाइफ जीने लगता है, और वो दोस्तों क्योंकि वो वीवर है और अपना पूरा ध्यान वो पैसा कमाने पर लगाता है अब, क्योंकि अब उसका गॉड से विश्वास उठ चुका और गॉड उसके ऊपर एक लिमिटेशन लगाता था, उसके ऊपर एक मॉरल रिस्ट्रिक्शन लगाता था, अब वो रिस्ट्रिक्शन हट चुकी है क्योंकि गॉड पर तो भरोसा ही नहीं है, गॉड तो है ही नहीं। सो अब वो रिस्ट्रिक्शन हटने के बाद दोस्तों वो टोटली ग्रीडी बन चुका है,
ही बिकम्स टोटली ग्रीडी, जिसका मेन मोटिव है पैसा कहां से आएगा। और दोस्तों वीविंग के सेक्टर से बिलोंग करने के वजह से उसके पास बहुत ज्यादा पैसा आता भी है और वो दो बैग गोल्ड जमा कर लेता है। दोस्तों दो बैग गोल्ड जमा कर लेता है। सो हालांकि हमें पता चलता है कि बाद में वो बैग्स भी चोरी हो जाते हैं और उसको फिर से लगता है कि अरे वाह मैं तो फिर से लुट गया, बर्बाद हो गया। खैर इन सब चीजों के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, हालांकि इसमें एक पॉइंटर मैंने लिखा नहीं है, वो आपको मेनली दिमाग में रहना चाहिए आपके, कि एपी के आने के बाद उसके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। वो वापस से सोसाइटी के साथ घुलना मिलना स्टार्ट करता है और उसके बाद उसके गॉड पर फेथ वापस आ जाता है और जो मॉरल रिस्ट्रिक्शन उसके ऊपर थी वो भी वापस आ जाती हैं। सो एपी के आने के बाद चेंज होता है। अब वो चेंज क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगा जब हम करेंगे एपी का कैरेक्टर। आइए बढ़ते हैं उसकी तरफ। दोस्तों नेक्स्ट जो कैरेक्टर हम करने वाले हैं वो है एपी का कैरेक्टर। आपको पता है एपी का पूरा नाम है हेप्जीबा, जो कि दिया है उसे साइलस मार्नर खुद ने। क्यों? क्योंकि अब साइलस मार्नर को आपको पता है कि उसे ये बच्ची उसकी खुद की नहीं है, उसको ये मिली थी। सो मिलने के बाद वो उसको एक गॉड का बून यानी कि वरदान या गॉड की ब्लेसिंग मानता है और उसको एक्सेप्ट करता है। तो जो लोग उसके दिल के सबसे ज्यादा करीब थे उनके नाम पर वो एपी का नाम रखता है हेप्जीबा। साइलस मार्नर की माता जी का नाम और उनकी बड़ी सिस्टर का नाम था हेप्जीबा, तो उनके नाम पे वो एपी का नाम रखता है हेप्जीबा। आपको यह भी पता है कि साइलस मार्नर की ओरिजिनल बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है बट साइलस मार्नर ने पाला है। तो सबसे पहला पॉइंट देंगे कि शी वॉज नॉटी एट चाइल्डहुड, जिसमें स्टार्टिंग आप करेंगे ये बताकर कि हेप्जीबा वॉज नॉट द बायोलॉजिकल डॉटर ऑफ साइलस मार्नर, शी वॉज बायोलॉजिकल डॉटर ऑफ गॉडफ्रे कैस। बट जो सर्कमस्टांसेस हुए थे उसका छोटा सा हिंट देकर आप बताएंगे कि इन सर्कमस्टांसेस की वजह से वो साइलस मार्नर के पास आती है और आप बताएंगे कि शी वॉज वेरी नॉटी एट चाइल्डहुड, हाउएवर शी डेवलप्ड इनटू अ लवेबल कैरेक्टर व्हेन शी ग्रोज अप। हमें जब एपी मिलती है तो वो 2 साल की होती है और जब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं तो वो हो जाती है 18 साल की। और जैसे ही वो 18 साल की होती है यानी कि 16 साल जब स्टोरी आगे बढ़ती है तो आपको पता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा अडोरेबल लवेबल कैरेक्टर में डेवलप हो जाती है, जिसे साइलस मार्नर के सारे नेबर्स पसंद करते हैं और डॉली विंथ्रॉप जो कि उसकी गॉड मदर बन जाती हैं वो उनसे अपने बेटे की शादी भी तय कर देती हैं। हाउ लवेबल। नेक्स्ट आप डालेंगे शी इज नॉट सेल्फिश, यानी कि आपको पता है कि एपी को उसके बायोलॉजिकल फादर यानी कि गॉडफ्रे कैस ने ऑफर किया था कि वो उसे अडॉप्ट कर लेंगे और उसे लेकर जाएंगे रेड हाउस में। रेड हाउस गॉडफ्रे कैस के फादर का हाउस है जो कि उस विलेज में उस टाउन में सबसे बड़ा हाउस है स्क्वायर कैस का। अब इतने बड़े हार में शिफ्ट होने का ऑफर मिला था एपी को बट उसने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज उसके लिए मनी डज नॉट मैटर मोर देन द कैरेक्टर्स ऑफ द पर्सन। उसके आसपास साइलस मार्नर है जो उसका जिसने उसके बायोलॉजिकल फादर से भी ज्यादा बढ़कर उसका ख्याल रखा है और इस बात की वो केयर करती है जिसकी वजह से रेड हाउस में जाने से वो मना कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है शी इज नॉट अनग्रेटफुल। जब गॉडफ्रे कैश का ऑफर आता है उसके पास शी डायरेक्टली रिजेक्ट्स इट। व्हाई? बिकॉज अपने फादर यानी कि साइलस मार्नर का उसके ऊपर बहुत ज्यादा एहसान था जिन्होंने उसे पाला। अब वो उनको छोड़कर बड़े होने के बाद उनको छोड़कर गॉडफ्रे कैश के पास इसलिए नहीं जाती क्योंकि वो उसकी एहसानमंद है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास शी ब्रिंग्स चेंज इन अदर्स कैरेक्टर्स। वो दूसरों के कैरेक्टर में चेंज लेकर आती है। कैसा चेंज लेकर आती है? साइलस मार्नर को जिस समय एपी मिलती है तो आपको पता है साइलस मार्नर किसी से बहुत ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, वो खुद की तरफ अपने आप को बंद करके रखता है। इस कैरेक्टर ट्रेट को एपी आकर ठीक करती है। एपी उसको एक चेंज के रूप में मिलती है जिसके आने के बाद से वो घुलना स्टार्ट होता है और अपने नियर बाय सोसाइटी में घुलना मिलना स्टार्ट होता है और हमें पता है कि उसके बाद साइलस मार्नर एक हैप्पी फादर की तरह इमर्ज होता है। सेकंड चेंज आता है गॉडफ्रे कैस में, वो भी उसका फादर ही है वैसे, सो ऑलमोस्ट इक्वेशन ठीक बैठती है। सो गॉडफ्रे कैस में ये चेंज आता है कि जहां वो पहले एरोगेंट प्राउड और ऐसा इंसान है जो सेल्फिश है, जो अपने सेल्फिशनेस की वजह से अपने बच्चे को भी एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और जरूरत पड़ने पर उसके पास चला जाता है बिना सोचे समझे कि क्या रिएक्शन होगा, 18 साल से नहीं उसको एक्सेप्ट किया, अचानक से कैसे एक्सेप्ट करे। ऐसे इंसान को अंदर भी चेंज आता है जब वो एपी से रिजेक्ट होता है। उसके अंदर ये
चेंज आता है कि वो रिपेंटेंस करता है अपनी की हुई गलतियों का। दोस्तों ये था कैरेक्टर एपी का, बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है डॉली विंथ्रॉप, और आपको पता है डॉली विंथ्रॉप का कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब रेवेलो विलेज के अंदर मार्नर का और विलेजर्स के बीच में जो गैप है वो डॉली विंथ्रॉप ही दूर करती है। हालांकि ये सिर्फ एक पॉइंटर है, लेट्स टॉक अबाउट ऑल द पॉइंटर्स। सो जब आप कैरेक्टर स्केच लिखेंगे तो उसमें एक सीक्वेंस भी होना चाहिए, तो उस सीक्वेंस को बना के रखिएगा। ये पॉइंटर्स जो मैंने लिखे हैं इसी तरह से लिखिएगा। सो हमारे पास पहला पॉइंटर है शी इज गुड नेचर्ड एंड फ्रेंडली। जब वो मार्नर से मिलती हैं तो बाकी सारे विलेजर्स मार्नर से बात करने से घबराते हैं क्योंकि उसके नाम के साथ एक और नाम अटैच हो गया था कि ही इज इन द लीग ऑफ डेविल। बट डॉली विंथ्रॉप इकलौती ऐसी महिला है जिनका नेचर इतना अच्छा है, जो इतनी ज्यादा फ्रेंडली है कि वो मार्नर के साथ भी दोस्ती आगे बढ़ाती हैं। और आपको पता होगा कि डॉली जो है वो मार्नर की नेबर है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास शी इज काइंड हार्टेड। नाउ इस बात के लिए आपको क्या एग्जाम्पल देना है, इस बात के लिए आपको एग्जाम्पल देना है कि जब साइलेस मार्नर को एपी मिलती है तो उसके पास एपी को पाले पोसने के लिए कुछ भी नहीं होता क्योंकि रिसेंटली उसका गोल्ड भी चोरी हो चुका है। सो डॉली विंथ्रॉप उसे अपने बेटे एरन के कुछ पुराने कपड़े देती हैं। यहां से प्रूफ होता है कि डॉली विंथ्रॉप बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है। और साथ ही दोस्तों आप ये भी लिख सकते हैं कि डॉली विंथ्रॉप एक ऐसी कैरेक्टर है जो साइलेस मार्नर के लिए फ्रेशली बेक्ड केक लेके जाया करती थी, यानी कि ये उसके अच्छे नेचर और उसके काइंड हार्टेड होने का एक प्रूफ है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है एनकरेजिंग बिहेवियर। डॉली विंथ्रॉप हमेशा ही मार्नर को एनकरेज करती थी कि वो एक अच्छा पेरेंट बन सकता है। हालांकि वो उसे क्रिटिसाइज भी करती थी कि उसकी कमियां भी निकालती थी कि एज अ पेरेंट उसमें क्या कमी है, और हमेशा उसको ये एहसास नहीं दिलाती थी कि तुम एक बहुत बुरे पेरेंट हो, बल्कि उसे हमेशा एनकरेज करती थी एक अच्छा पेरेंट बनने के लिए। और शायद इसी का नतीजा है कि एपी एक बहुत ही अच्छे और वेल डेवलप्ड कैरेक्टर में आगे जाके तब्दील हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है स्ट्रांग बिलीवर। दोस्तों बिलीवर वर्ड जब भी आता है इसका मतलब है कि वो गॉड में विश्वास रखती है। सो डॉली विंथ्रॉप एक बहुत ही ज्यादा बिलीवर है, बहुत स्ट्रांग बिलीवर है। क्यों? क्योंकि जब वो सुनती है कि मार्नर के साथ क्या हुआ और कैसे हुआ, वो सब होने के बावजूद भी वो मार्नर को ये सलाह देती है कि तुम्हें एटलीस्ट चर्च के कुछ सेशंस अटेंड करने चाहिए, अगर अपने लिए ना सही तो एटलीस्ट अपने बेबी की अच्छी ग्रोथ के लिए भगवान से कुछ ना कुछ मांगना चाहिए। सो शी इज अ स्ट्रांग बिलीवर। वो गॉड में इतना ज्यादा विश्वास रखती है, और ना सिर्फ वो खुद विश्वास रखती है बल्कि वो साइलेस मार्नर को भी गॉड के साथ जोड़ने की कोशिश करती है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल ऑफ गुड पेरेंटिंग। शी रिप्रेजेंट द एग्जाम्पल ऑफ गुड पेरेंटिंग। वो खुद भी एक बहुत अच्छी माँ है, वो उसको पता है कि अपने बेटे को कैसे पालना है, प्लस वो मार्नर को भी ये चीजें बताती है, उसको सलाह देती है कि एक अच्छे पिता बनने के लिए क्या क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वो खो रहा है, जो वो लैक कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास ही सर्व एज ब्रिज। और दोस्तों अगर आपने मेरी बनाई हुई समरी देखी होगी साइलेस मार्नर की, तो आपको पता होगा कि डॉली विंथ्रॉप कौन सा ब्रिज है। जी हाँ, वो लंदन ब्रिज नहीं है, वो है ब्रिज बिटवीन साइलेस मार्नर एंड द विलेजर्स ऑफ रेवेलो, यानी कि रेवेलो के लोग और साइलेस मार्नर के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ गया था क्योंकि साइलेस मार्नर के साथ एक नाम जुड़ गया था डेविल का, और विलेजर्स उससे दूर रहते थे, और आपको पता है कि साइलेस मार्नर खुद भी रेक्लूज लाइफ जी रहा था जैसे हमने डिस्कस किया अभी। सो इस बहुत बड़े गैप को कम करने की कोशिश जिसने की वो थी डॉली विंथ्रॉप, और ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, यानी कि बहुत अच्छे से किया। विलेजर्स धीरे धीरे साइलेस मार्नर के साथ घुलने मिलने लगे, और साइलेस मार्नर को भी विश्वास हो गया कि उसके अराउंड जो सोसाइटी है वो उसका बुरा नहीं चाहती, उसके साथ अच्छा ही करेगी, वो भी घुलने मिलने लग गया। तो ये था कैरेक्टर डॉली विंथ्रॉप का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेजर कैरेक्टर जो हमारे पास है वो है नैन्सी लैमिटर। जी हाँ, ये है बिलेवेड ऑफ गॉडफ्रे कैस। बिलेवेड का मतलब होता है गॉडफ्रे कैस इसका लवर है, यानी कि ये उसे, हालांकि हम कह सकते हैं कि ये भी लवर है, बट दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, छोड़ो। आपको तो मेन याद रखना है कि शी इज द बिलेवेड ऑफ गॉडफ्रे कैस, और शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन इन द एरिया। इतनी ज्यादा ब्यूटिफुल कि गॉडफ्रे कैस के फादर स्क्वायर कैस भी इसको प्रेज करते हैं। वाओ। खैर, नेक्स्ट, शी इज वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो, यानी कि उसको पता है कैसे बिहेव करना है, उसके अंदर इंटेलिजेंस है। वो गॉडफ्रे कैस को लव करती है, फिर भी उससे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखने के लिए उसके अंदर इंटेलिजेंस है,
कि कैसे वो डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगी, और उसके अंदर इतनी भी इंटेलिजेंस है कि वो स्क्वायर कास्ट की प्रेजेस का कैसे जवाब देगी। नेक्स्ट हमारे पास है नॉट अ ब्लाइंड लवर एंड डिप्लोमैट, ये दोनों चीजें मैंने साथ में अटैच की हैं। शी इज नॉट अ ब्लाइंड लवर, यस शी इज अ लवर ऑफ गॉडफ्रे कैस, वो गॉडफ्रे कैस को प्यार करती है बट इतना ज्यादा अंधा प्यार नहीं करती कि उसके पीछे पागल हो जाए। वो डिप्लोमैट है, डिप्लोमैट का मतलब वो गॉडफ्रे कैस को प्यार तो करती है लेकिन उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है ताकि जो प्रपोजल है वो गॉडफ्रे कैस की तरफ से आए, वो विचलित होना चाहिए प्यार के अंदर, उसके अंदर तड़प जागनी चाहिए, और वो तड़प जगाने के लिए उसके अंदर डिप्लोमेसी है। जी हाँ, और नेक्स्ट हमारे पास है नॉट मच एडुकेटेड बट वेल रिफाइंड, इकलौती कमी जो नैन्सी के अंदर होगी कि वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, जिसकी वजह से उसकी लैंग्वेज में ये चीज की झलक मिलती है, शी इज नॉट वेरी वेल एडुकेटेड। और आपको ये जानना चाहिए कि विक्टोरियन एरा इंग्लैंड में एजुकेशन पाना बहुत ज्यादा आसान काम नहीं था, अब की तरह नहीं होता वहां पर कि कोई भी स्कूल में एडमिशन ले लेगा और उनको साइलस मार्नर का एक नॉवल करके पास हो जाना है और वो एजुकेटेड हो जाएंगे, बट उस टाइम पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि बहुत ज्यादा हाई क्लास लोग ही एजुकेशन अफोर्ड कर सकते थे क्योंकि एजुकेशन के लिए स्कूल्स बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं थे, बट होम ट्यूशन वगैरह रखनी पड़ती थी, आपको रखवानी हो तो वी आर अवेलेबल। खैर आगे बढ़ते हैं, शी वॉज नॉट मच एजुकेटेड बट बहुत ज्यादा रिफाइंड थी वो ज्यादा, यानी कि उसे प्रॉपर स्कूलिंग नहीं मिली पर वो अपने एजुकेशन पे काम करती थी, उसने आपको अपने आप को इतना ज्यादा निखार लिया था कि उसके और नॉन एजुकेटेड होने के बीच में जो गैप था वो बहुत कम हो गया था, यानी कि वो एजुकेशन की तरफ बढ़ गई थी, उसका ये बता पाना कि वो एजुकेटेड नहीं है बहुत मुश्किल था। नेक्स्ट है शी इज एंजल ऑफ द हाउस, दोस्तों ये एक फ्रेज है एंजल ऑफ द हाउस, ये विक्टोरियन एरा में दिखाई गई औरतों के लिए यूज किया जाता था, सिर्फ ऐसी औरतें जिनको घर पर रहने के लिए ही बनाया गया था, यानी कि विक्टोरियन एरा इंग्लैंड में जो फेमिनिस्ट राइटर्स हैं वो ये लिखते थे कि औरतों को हमेशा ऐसा क्यों दिखाया जाता है कि वो घर पर रहें, उनको हर तरह की चीजें आनी चाहिए, यानी कि उनको खाना बनाना आना चाहिए, गाना गाना आना चाहिए, बट वो घर से बाहर ना निकलें। सो उन्होंने ऐसी कैरेक्टर्स को नॉवेल्स में प्लेज में, ऐसे कैरेक्टर जो घर पे रहकर घर की शोभा बढ़ाने के लिए बनाए गए थे, ऐसे कैरेक्टर को दिखाने के लिए एंजल ऑफ द हाउस फ्रेज निकाला था, और ये भी हमारी वैसी ही तरह की कैरेक्टर है, यानी कि जब नैन्सी की शादी हो जाती है गॉडफ्रे के साथ, सो नैन्सी क्या करती हैं, नैन्सी एक अच्छी वाइफ बनकर घर पर रहती हैं, उसके अलावा उसका बहुत ज्यादा रोल नहीं होता, बट दोस्तों नैन्सी के कैरेक्टर इतना अच्छा है कि वो निखर कर आता है, वो उभर कर आता है, वो सिर्फ घर पे रहने के बावजूद भी एक मेन कैरेक्टर बनकर निकलती है। कैसे, शी इज अ कैरिंग वाइफ, वो अपने हस्बैंड की बहुत ज्यादा केयर करती है शादी के बाद, और इतना ज्यादा कि गॉडफ्रे को उसके लिए कभी चिंता नहीं करनी पड़ी बल्कि नैन्सी उसके लिए चिंता करती है। जब गॉडफ्रे अपना कोई बच्चा ना होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता तो उस टाइम पे भी नैन्सी ही थी जो उसको कंसोल करती हैं, हालांकि उसको खुद भी ये दुख था बट वो पहले गॉडफ्रे के बारे में सोचती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, शी इज फॉरगिविंग इन हर नेचर, फॉरगिविंग का मतलब होता है ऐसा जो माफ कर दे। जब गॉडफ्रे नैन्सी को कन्फेस करता है कि उसने पुरानी लाइफ में बहुत ज्यादा पाप किए हुए हैं जिसमें से एक एपीबी है ना, काफी बड़ा पाप, 18 साल का हो चुका है खैर। सो जब वो कन्फेस करता है ये चीज तो नैन्सी बहुत ज्यादा इंपल्सिव या बहुत ज्यादा गुस्सा होने की बजाय उसे माफ कर देती हैं, और वो बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग भी है, और वो ये समझती है कि ये कन्फेस इसीलिए किया गया है क्योंकि गॉडफ्रे बहुत ही ज्यादा इस गम में मारा जा रहा है कि उसका कोई बच्चा नहीं है, और वो गुस्सा दिखाने के बजाय डायरेक्ट ही उसे सॉरी फील करती हैं कि मैंने तुम्हें एपी को अडॉप्ट नहीं करने दिया। अब ये चीज से हमें पता चलता है कितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है इस वुमन में, जो अपने पति का नाजायज संबंध और एक नाजायज बच्चा होने के बावजूद भी सबसे पहला ध्यान देती हैं कि लेट्स अडॉप्ट दैट चाइल्ड। ये था कैरेक्टर नैन्सी का, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास गॉडफ्रे कैस, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है क्योंकि इसकी वजह से भी बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, लेकिन ये कैरेक्टर जो है बहुत ज्यादा मॉरली स्ट्रांग नहीं है, ये कैरेक्टर थोड़ा वीक कैरेक्टर है। कैसे, सबसे पहले तो वो इररेजोल्यूट मैन है, उसको किसी एक जगह पर रेजोल्यूट होने के लिए उसके पास करेज नहीं है। सबसे पहले वो शादी कर लेता है मॉली से, लेकिन वो इस बात पे रेजोल्यूट नहीं है कि वो मॉली के साथ पूरी जिंदगी बिता सकता है,
और सेकंड पॉइंट है लैक्स मॉरल करेज, उसके पास जब वो जाता है अपने फादर के पास ये कन्फेस करने कि उसकी शादी हो चुकी है मौली के साथ और हो सकता है उसको अपनी सारी जिंदगी मौली के साथ गुजारनी पड़े, उसमें इतना करेज ही नहीं है कि वो अपने फादर का सामना कर पाए, क्योंकि मौली की इज्जत बहुत अच्छी नहीं है, वो एक ओपियम एडिक्ट है। अब नशे करने वाली औरत के साथ कोई शादी करे कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन अच्छा बाप एक्सेप्ट करेगा। सो वो अपने फादर से थोड़ा बहुत डरता भी है, सो उसके अंदर इतना करेज नहीं है कि वो अपनी की हुई शादी को एक्सेप्ट कर ले अपने फादर के साथ। नेक्स्ट है ही इज एन अपॉर्चुनिस्ट, अपॉर्चुनिस्ट जो हर दूसरी आई अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा ले। उसके मॉरल करेज कम होने की वजह से उसका छोटा भाई डंस्टन कैस इस बात का फायदा उठाता है और उसको ब्लैकमेल करता है। अब उस ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए वो क्या करता है, वो ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए डंस्टन को अपने फादर के एक टेनेंट से आए हुए पैसे उठाकर दे देता है। उसके पास अपॉर्चुनिटी आई, उसके पास कुछ पैसे आए टेनेंट से यानी कि किराएदार से पैसे आए जो उसको फादर को देने थे, लेकिन हाथ में आई अपॉर्चुनिटी देखकर उसने वो डंस्टन को दे दिए पैसे और अपनी जान छुड़ा ली ब्लैकमेलिंग से। सो वो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है। इस बात का एक और एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, जब मौली की खबर आती है कि मौली मर चुकी है तो वो इंस्टेड ऑफ बीइंग वेरी सैड कि मेरी वाइफ मर गई या कुछ ऐसा सैड होने के बजाय उसके मन में लड्डू फूटते हैं कि चलो मौली मर गई मैं तो फ्री हो गया, अब मैं नैंसी के साथ खुशी खुशी शादी कर सकता हूं। वाओ। सो नेक्स्ट थिंग, वो सेल्फिश भी है। सेल्फिश का मतलब एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। वो कैसे सिर्फ अपने बारे में सोचता है, क्या एक फादर अपने बच्चे को भूल सकता है, ये भूल सकता है क्योंकि ये सेल्फिश है। कैसे मौली के मरने के बाद जब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी मौली की बेटी और गॉडफ्रे की बेटी अभी भी जिंदा है और उसको एक फादर की जरूरत है क्योंकि उसकी मां मर चुकी है, अब उसका ख्याल कौन रखेगा। लेकिन जब उसके पता चला कि वो बेटी अब साइलस मार्नर के पास है तो उसे लगा कि ठीक है ये ख्याल रख लेगा, मुझे क्या जरूरत पड़ी है इतनी ज्यादा। सो वो सेल्फिश है, वो अपने खुद के लीगल बच्चे के लिए भी उतना ज्यादा प्यार नहीं दिखा पाता। सो हम उसे इनसेंसिटिव भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शी डेवलप्स मॉरल सेंस लेटर ऑन इन द स्टोरी। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है धीरे धीरे जब उसे अपना खुद का बच्चा पैदा नहीं होता उसका नैंसी के साथ, तो उसके अंदर एक मॉरल सेंस जागता है और उसे अपनी पुरानी की हुई गलतियों का एहसास होता है इन द लास्ट ऑफ द स्टोरी। और लास्ट पॉइंटर है हमारे पास रिपेंटेंस। एपी से रिजेक्शन मिलने के बाद उसके अंदर एक रिपेंटेंस यानी कि पछतावा आता है और वो पछताता है अपनी की हुई गलतियों का, और वो ये रिपेंटेंस करता है अपनी वाइफ नैंसी के सामने जिसको उसने धोखा दिया था। ऑब्वियसली क्या ये थे पॉइंट गॉडफ्रे कैस के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्क्वायर कास, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस वीडियो के अंदर भी और इस नॉवल के अंदर भी। स्क्वायर कास कौन है, गॉडफ्रे का फादर, डंस्टन का फादर। और गॉडफ्रे और डंस्टन, गॉडफ्रे मैंने आपको बताया एक बहुत ज्यादा मॉरली वीक कैरेक्टर है और डंस्टन आपको पता है ही चोर। सो एक ऐसा फादर जिसके दोनों बच्चे नालायक निकले तो कमी कहां होगी, फादर में कमी होगी ऑब्वियसली। अगर उसकी मां नहीं है, फादर अकेला बच्चों को पाल रहा है, वो भी ढंग से नहीं पाल रहा, तभी बच्चे ऐसे निकलते हैं। सो इस कैरेक्टर के बारे में क्या बता सकते हैं हम आपको। सबसे पहले वो ग्रीडी एंड सेल्फिश, ये पॉइंटर्स बने हैं मेरे पास। ग्रीडी कैसे है, वो बहुत ज्यादा ग्रीडी है। उसका जब उसके पास मनी आई है तो उसका सारा ध्यान मनी के ऊपर ही है। वो अपने विलेज का सबसे ज्यादा अमीर आदमी होने के बावजूद भी ये विश करता है कि इंग्लैंड और फ्रांस में चलने वाली जो 100 ईयर वॉर थी वो खत्म ना हो, क्योंकि उसकी वजह से कॉर्न के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इसको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। सो वो अगर प्राइस नीचे गिर गया तो इसको नुकसान होगा, तो वो वॉर नहीं रुकनी चाहिए ऐसा वो विश करता है। और इसी की वजह से वो सेल्फिश भी है, अपने फायदे के लिए वो दूसरों को केयर नहीं करता। सो नेक्स्ट है हमारे पास इनसेंसिटिव। वो इतना ज्यादा इनसेंसिटिव हो गया है अपने ग्रीड और अपने सेल्फिशनेस में कि वो हजारों लोगों की जो जान जा रही है 100 ईयर वॉर में। अगर आपको 100 ईयर वॉर नहीं पता दोस्तों, तो आप विकिपीडिया पर जा सकते हैं, वहां पर सर्च कर सकते हैं, आपको इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुई 100 ईयर वॉर के बारे में पता चलेगा जो वर्ल्ड वॉर वन से बहुत पहले हुई थी। सो अब वो नहीं चाहता कि ये वॉर रुके ताकि कॉर्न के प्राइस नीचे चल जाए, उसको किसी तरह का नुकसान हो। सो वो इनसेंसिटिव भी है, साथ में वो एडमेंट है। एडमेंट इन द सेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राउड है अपनी फैमिली के नाम के ऊपर कि उसके पास एक बहुत ही पुराना बहुत एंशियंट फैमिली नेम है, यानी कि उसकी पुरखों की जमीन है और पुरखों का नाम है और वगैरह वगैरह, जैसा आप हिंदी मूवीज में देखते हैं ठाकुर वगैरह टाइप का।
उसका भी एक बहुत ज्यादा एंशिएंट नाम है, वो इस नाम को लेके बहुत ज्यादा प्राउड है, और इसी प्राउड होने की वजह से और इसी की वजह से क्या होता है, वो गुस्से में आने के बाद कुछ भी बोल देता है किसी को भी, वो नहीं देखता उसके सामने कौन है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि गुस्से में जो बोली गई बात है वो गुस्सा शांत होने के बाद भी उससे मुकरता नहीं है, उसमें बना रहता है, वो एडमेंट है अपनी बातों को लेकर, वो बहुत ज्यादा जिद्दी है अपनी बातों को लेकर। और नोज कॉन्वर्सेशनल डेलिकेसीज, इसके अलावा जो उसके बारे में जानने लायक बातें हैं वो ये है कि उसे कॉन्वर्सेशनल डेलिकेसीज का पता है, यानी कि कब किसको क्या बात बोलनी है उसे ये आता है। जब वो अपने घर पर न्यू ईयर की पार्टी रखता है तब बहुत सारी ब्यूटीफुल लेडीज आती हैं और उन सबको ये बहुत ज्यादा प्रेज करता है, खासकर नैन्सी लेमीटर को जो उसकी सन की बिलवड है, यानी कि बहू। खैर बाद में वो ये रोल प्ले करता है हमारे रंजीत का, बेटी, बट कोई बात नहीं, अगर आपको ये जोक नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। दोस्तों ये था हमारा लास्ट कैरेक्टर इस वीडियो का। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये वीडियो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगा होगा, बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और मेरी एक्साइटमेंट आपको इस बात से झलक गई होगी कि मेरी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है इस वीडियो में। दोस्तों ये प्योरली एक्साइटमेंट है जो आपके लिए है, ना कि मेरे लिए। और अब इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको साइलस मानर के कैरेक्टर स्केच के क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्लियर होंगे। इनके अलावा अगर आप किसी भी कैरेक्टर के बारे में कोई कैरेक्टर स्केच जानना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप हमने मेंशन किया हुआ है जो सीबीएसई क्लास 12th के लिए है। अब वहां पर आइए, अपना क्वेश्चन पोस्ट कीजिए और उसका जवाब आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और आपको अगर ऐसा है तो प्लीज इसे शेयर करें, इसे लाइक करें, हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।